बहुत दिनों बात कर रहा हूँ यार, होता नहीं है। माई बाइक इज पंचर फॉर लास्ट 2 ईयर्स। आई नो इट साउंड्स वेरी स्टूपिड एंड फ्रस्ट्रेटिंग कि भाई पंचर है तो तूने बनवा क्यों नहीं लिया, बट लेट मी टेल यू, पहले मैं रहता था अकेले कंपनी के बैचलर हॉस्टल में, अभी मैंने मम्मी को बुला लिया है तो मैं रहता हूँ फ्लैट में, तो मुझे क्या सब्जी वगैरह दाल वगैरह ये सब लाना पड़ता है, तो अभी हम वही लेने जा रहे हैं, इसलिए मैं एक बार चेंज करता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि मेरी बाइक का टायर जो पंचर है उसकी पूरी स्टोरी क्या है। फटाफट कपड़े चेंज करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, बाइक निकालते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, सो आई एम ऑलरेडी एंड पम्प्ड अप टू बाई सब्जी, दाल चावल रोटी ये सब जो भी होता है वो खरीदने जा रहे हैं। लेट्स गो और बात करते हैं कि मेरी बाइक का क्या है मामला पंचर का। So one good thing about this video is also going to be that some part of this video is I'm shooting with my LG V30 Plus which I recently bought especially for its video capabilities which I have heard. Okay, so I was saying कि मेरा tyre puncture है पिछले 2 सालों से, और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बनवाने की कोशिश नहीं करी या मैंने puncture बनवाया नहीं, मैंने पंचर बनवाया भी और बहुत बार बनवाया, हर बार जितनी बार भी मैं एयर फिलअप कराने जाता हूँ मतलब मैंने 4-5 बार पंचर बनवा लिया, बट वॉट हैपन्स इज़ दैट कि ये हर बार कहीं ना कहीं पंचर हो जाती है। अच्छा, ट्यूबलेस टायर का मेरे को एक और भी लगता है कि जब आपने इसकी ऑलमोस्ट लाइफ कम्प्लीट कर ली है ना, अब मैंने इसको 22,734 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट रन कर लिया है, तो ये बार बार पंचर होता है, ठीक है, और एक पंचर आप सही कराओगे दोबारा से फिर से आप एयर इसमें फिलअप कराने जाओ तो देखोगे तो आप 20 PSI एयर ही है, और ऐसा क्यों होता है बार बार मेरे को नहीं पता। ट्यूब टायर्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि टायर चलते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ट्यूबलेस टायर्स आर बैड, ट्यूबलेस टायर्स आर नॉट बैड एट ऑल, दे आर वेरी गुड, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद ही सोच लो कि 2 सालों से पंचर है, कोई ना कोई पंचर इसमें हमेशा ही रहता है और उसके बावजूद भी ये चल रहा है, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग अबाउट दिस ट्यूबलेस टायर्स। बट द अनोइंग थिंग इज़ दैट कि एवरी टाइम आई गो आउट ऑलमोस्ट एवरी वीक आई हैव टू गेट द एयर फिल्ड अप, एयर चेक्ड अप इन दीज टायर्स बिकॉज आई डोंट नो इफ दैट सीप्स अवे और समथिंग, और पंचर कई बार वो करो तो मिलता भी नहीं है, तो दिस इज़ अ लाइक यू कैन से नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से इट्स अ कॉन, एवरी थिंग हैज़ इट्स लिमिटेशंस एंड कैपेबिलिटीज, सो दैट्स दैट। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि ट्यूबलेस टायर अगर आपकी बाइक में है तो आप उसको बार बार चेक करो, क्योंकि बहुत देर तक मेरे बाइक में मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने मतलब जानबूझ के ऐसे ही चलाता रहा हूँ और मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ और इसमें एयर पता 7 PSI निकला, 35 PSI या 32 PSI होना चाहिए रियर व्हील में, बट मैं चलाता ही रहा और 6-7 PSI निकला, तो दैट्स अ रियली बैड थिंग। अरे यार कहाँ के रुक गया भाई। अच्छा हाँ, अभी और मैं जा रहा हूँ मार्केट में सब्जी वब्जी लेने, थोड़ा एक दो सामान लेने जा रहा हूँ मैं मार्केट में, और मार्केट में इनफैक्ट पहुँच गया हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आई नीडेड टू रिप्लेस दिस वन थिंग, यस ओके, सो लेट मी स्टॉप एट दिस शॉप। वो ये बहुत छोटा सा क्यूट सा मार्केट है यहाँ का, और ये बहुत छोटी सी क्यूट सी सिटी भी है एक्चुअली। अंकल मैं ये लेके गया था ना, ये छोटा है ऊपर वाला, ज़्यादा छोटा है ये, अंकल आपके पास लाइटर वगैरह भी लेके क्या, किचन वाला दे दो ना, मैं पैसे निकाल के आ जाता हूँ अंकल, है ना। निकल रहे हैं क्या? नाउ आई विल हैव टू फाइंड अनदर ATM।
पैसे निकले नहीं. सो इन दिस क्यूट सिटी द ओनली क्रॉस रोड इज दिस, आई मीन विच हैज़ लाइक सिग्नल्स एंड ऑन प्रॉपर क्रॉस रोड. सो दे हैव फिक्स्ड डिस्प्ले यूनिट हियर. जाना भाई यार, मेरे को लेट मी ट्राई हियर. पैसे निकल रहे क्या भैया? देख लो भाई लोग, इफ यू वॉन्ट टू हैव अ फैमिली यू विल हैव टू बेयर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लेट द सिग्नल टर्न ग्रीन. अच्छा खासा इंजन वॉज आइडलिंग और जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ बाइक बंद. ये पे ना मेरे साथ ही होते हैं केवल. अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरे हाथों में ग्लव्स नहीं है, उतार के मैंने एक्चुअली बैग में डाल लिया, सारा सामान ले लिया मैंने घर का. और चलते वापस, मेरा गोलगप्पे खाने का मूड हो रहा है बट अकेले अकेले मन नहीं लगता है खाने में. ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई वाज ट्राइंग फॉर अ ब्लॉग और उसके अलावा वो पंचर वाली स्टोरी तो थी, तो मैंने सोचा पंचर वाली बात करनी है तो लेट्स मेक अ ब्लॉग और दैट विल बी लाइक रियली नाइस एंड वॉचेबल. इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बनाया टोटल. इट हैज टू है, इट हैज टू लुक विजुअली गुड राइट. स्टोरी टेलिंग इज नॉट ओनली क्यूट क्यूट पपीज. आई वांट टू शूट देम. Yeah, this is where my camera might come in handy. So, there they are. There they are. In the bushes. Whoa. Oh, so cute, man. I don't know if she's her mother or not. They're so adorable. Okay, so they're not coming back here. So, I think they made the vlog. It was nice to. मेरा जो माइक है ना मेरे कान में गिर रहा है, पोजीशनिंग सही नहीं हुई है इसकी. ओके सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.